तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंजल वन के स्टॉक के बारे में। एंजल वन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको मार्च से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 6.50% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज की तेज़ी से हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार 2221 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी अब स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू जाती है तो यहाँ से बहुत तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2372 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2429, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक 2700, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी 2600 और 2700 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2221 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2149, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2059 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।